हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक फैन रेगुलेटर, 3 स्विच, 2 सॉकेट, 1 फ्यूज और 1 इंडिकेटर का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है हमको, इस तरह से तार लेना है और तार को छील कर हमें फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट में लगा कर कस लेना है। हमें इस तार को फ्यूज के नीचे में लगाना है, ऊपर में नहीं लगाना है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें इंडिकेटर में लगाना है। आप इंडिकेटर के ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इंडिकेटर के एक पॉइंट में तार को लगा देना है। अब देखिए क्या करना है, इसमें हमको एक और तार लगाना है कुछ इस तरह से, ये देखिए, और इसे हमें कस लेना है। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें स्विच में लगाना है, इस वाले स्विच में लगाना है। तो आप स्विच के भी किसी पॉइंट में लगा सकते हैं। तो मैं इसे नीचे लगा देता हूँ स्विच के, ये देखिए। अब क्या करना है, देखिए नीचे वाले दोनों स्विच में भी हमको सप्लाई देना है। तो ऊपर वाले स्विच से तार लेंगे और इसे नीचे वाले स्विच में लगा देंगे, ये देखिए। उसी में एक तार लगाना है हमको और इसे भी कस लेना है। अब इस तार को हमें नीचे वाले स्विच में लगाना है। तो नीचे वाले स्विच के मैं नीचे पॉइंट में लगा देता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ से एक और तार लगाना है और उसे हमें दूसरे स्विच में लगाना है। मतलब कि हमारे बोर्ड में जितने भी स्विच रहेंगे सभी में हमको फेज सप्लाई देना है। ये देखिए, इस तरह से कनेक्शन कर लेना है हमको। ये फेज का कनेक्शन है दोस्तों, इसलिए मैंने लाल तार लिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए क्या करना है, अब हमें स्विच का कनेक्शन सॉकेट के साथ करना है। तो स्विच के बचे हुए पॉइंट में इस तरह से तार को लगा देंगे और इसे भी कस लेंगे। अब इस तार को हमें 5 पिन सॉकेट में लगाना है। तो मैं इसे 5 पिन सॉकेट के यहाँ पर लगा देता हूँ। इससे क्या होगा, स्विच से हमारा 5 पिन सॉकेट ऑन ऑफ होगा। तो ये देखिए, इस तरह से एक पॉइंट में तार को लगा देना है और इसे कस लेना है। अब चलिए 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन करते हैं दूसरे वाले स्विच के साथ। तो इसका भी कनेक्शन सेम वैसे ही होगा, स्विच के बचे हुए पॉइंट में तार लगाना है हमको। ये देखिए, इस तरह से तार लगा देना है हमको और इस तार को हमें 2 पिन सॉकेट में लगाना है। आप 2 पिन सॉकेट के किसी भी एक पॉइंट में लगा सकते हैं। इस वाले स्विच से हमारा 2 पिन सॉकेट ऑन ऑफ होगा। अब देखिए क्या करना है, अब हमारा एक स्विच बचा है तो फैन का कनेक्शन करेंगे। ये देखिए, फैन रेगुलेटर का 2 तार है तो आप किसी भी एक तार को ले सकते हैं। इसे स्विच के बचे हुए पॉइंट में लगा देना है और कस लेना है। ये देखिए, अब इस स्विच से हमारा फैन ऑन ऑफ होगा। अब चलिए न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। तो न्यूट्रल का कनेक्शन कहाँ कहाँ आएगा, देखिए इंडिकेटर के बचे हुए पॉइंट में हमको न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो मैं यहाँ पे तार को लगा देता हूँ और इसे कस लेता हूँ। अब यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें 5 पिन सॉकेट के बचे हुए पॉइंट में लगाना है। अब इसमें हमको एक और तार लगाना है और उस तार को हमें 2 पिन सॉकेट के बचे हुए पॉइंट में लगाना है। ये देखिए, उसी में एक तार लगा देना है हमको और इसे कस लेना है। अब इस तार को हमें 2 पिन सॉकेट में लगाना है क्योंकि 5 पिन को और 2 पिन को न्यूट्रल चाहिए, तो दोनों में हमको न्यूट्रल सप्लाई दे देना है। अब देखिए इसमें सप्लाई कहाँ कहाँ देना है, तो मैं इस दोनों तार की मदद से इसमें सप्लाई दूंगा। तो फेज सप्लाई तो हमको यहाँ पर देना है, फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में फेज सप्लाई देना है।
इसमें हमारा बाहर से फेज सप्लाई आएगा। ये देखिए इस तरह से तार को लगाकर इसको कस लेना है हमको। अब देखिए न्यूट्रल सप्लाई कहाँ देना है, तो न्यूट्रल सप्लाई हमको जहाँ जहाँ पर काला तार लगा हुआ है वहाँ पर देना है। तो मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। आप चाहें तो इंडिकेटर में भी लगा सकते हैं इसे। इसमें हमारा बाहर से न्यूट्रल सप्लाई आएगा। अब देखिए पंखे के लिए दो तार कहाँ से लेंगे हम, तो एक तार तो हम यहाँ से लेंगे, फैन रेगुलेटर से एक तार लेंगे। ये देखिए जो तार बचा हुआ है फैन रेगुलेटर का, उसमें इस तरह से तार को छिलकर लपेट लेना है और इसमें हमको टेप लगा देना है। ये तार हमारे पंखे में जाएगा। अब देखिए पंखे के लिए दूसरा तार कहाँ से लेंगे, तो ये देखिए इंडिकेटर के जिस जगह पे काला तार लगा हुआ है वहाँ पर हमको इस तार को लगा देना है। यहाँ से सप्लाई जाएगा हमारे पंखे में। तो इस तरह से इस बोर्ड का कनेक्शन होगा दोस्तों। ये देखिए हरा तार पंखे के लिए है और ये दोनों तार सप्लाई के लिए है। अब चलिए इसको इसके बॉक्स में फिट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको इसके बॉक्स में फिट कर लिया। अब इस बोर्ड में 6 पेज लगे हुए थे, तो इन पेजों को लगाकर हमें अच्छे से कस लेना है। अब देखिए ये दोनों तार पंखे का है और ये दोनों तार सप्लाई का है।